हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल HDS ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं JCERT मैथ क्लास 6 का प्रश्नावली 16.2। इसके पीछे के वीडियो में आपको बताए थे 16.1 जो रचना वाला वीडियो था। इस वीडियो में आप लोग को हम 16.2 कंप्लीट करवाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा कि केवल रूलर का प्रयोग करके 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, है ना। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, एक आपके पास प्रकार होना चाहिए, एक रूल आपका पास होना चाहिए, है ना। यहाँ हम कलम ले लिए हैं और ये एक ठो स्केल आपके पास होना चाहिए, है ना। अगर कभी कभार यदि गलत भी हो जाता है ना, उसके लिए एक मिटोनी होना चाहिए, है ना, जिसको रबर कहते हैं। तो रबर भी साथ में आप रखिएगा। तो इतना सामान आपके पास होना चाहिए। चलिए, हम रचना करने के लिए आपको हम सिखाते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कहा है कि केवल रूलर का प्रयोग करके 6.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड आपको खींचने के लिए कहा गया है ना। देखिए, हम खींचते हैं यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ सेंटीमीटर आपको दिखेगा इंच में। देखिए, यहाँ पर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। और क्वेश्चन में कहा है 6.5 सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं करना है, एक स्केल पकड़ना है। और हम पेन का उपयोग कर रहे हैं ताकि आपको मोबाइल में थोड़ा बढ़िया से दिखेगा, क्योंकि रूल वाला बढ़िया से दिखता नहीं है। तो देखिए, 6.5, तो क्या करेंगे हम, 6.5 एक रेखा खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे, यहाँ शुरू करेंगे, कितना दूर जाएंगे, 6। तो देखिए, यहाँ तक 6 चला जाएगा ना। इसके बाद आपको छोटा छोटा बिंदु भी आपको दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे ना। देखिए, 6 पॉइंट के बाद 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 इस तरह मिल रहे हैं। वही वाला आपको खींचना है, 6.5 तक खींच देना है। मेरा 6 हो गया है, उसके बाद थोड़ा 5 आगे बढ़ा देंगे और उसका हम नाम दे देंगे, उसका नाम दे देंगे हम ए और बी, है ना। ये कितना हो गया, 6.5, तो यहाँ लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया, है ना। तो बस एक नंबर का इस तरह से आपको केवल खींच के दिखा देना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखिए इसमें कहा है कि रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 7.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड कीजिए। 7.8 खींचना है, ना। चलिए, सबसे पहले पकड़िए, इंच को पकड़िए यानी स्केल को पकड़िए, 7.8 इस बार हमको खींचना है। सब तो 7.8 कहाँ होगा, ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पहले 7 जाइए, तो वहाँ से 7 खींचेंगे, 7 खींच लिए। उसके बाद छोटा छोटा आपको लाइन दिख रहा होगा, वो क्या होता है, मिलीमीटर होता है। तो 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 6, 7, 8 यानी यहाँ मेरा कितना है, 7.8। तो 7.8 मेरा क्या हो गया, रेखाखंड खींचाएगा। इस बिंदु का नाम देंगे हम बी, इस बिंदु का नाम देंगे हम ए, आप कुछ भी दे सकते हैं। और ये रेखाखंड की लंबाई कितना है, 7.8 सेंटीमीटर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ी इजी से खींचा गया, केवल आपको खींच के बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा है 6.9 सेंटीमीटर लंबाई एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। तो चलिए, हम सबसे पहले इसको खींच लेते हैं और इससे पी आर काटिए जिसकी लंबाई 4.2 सेंटीमीटर हो और रेखाखंड आर क्यू को मापिए। तो सबसे पहले 6.9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड पी क्यू खींचते हैं। तो सबसे पहले ये वाला खींच दिए, 6.9 सेंटीमीटर वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है 6.9, तो चलिए 6.9 खींचते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6.9। 6.1 लंबा रेखाखंड खींचिए, क्या बोला था, पी क्यू, तो नाम क्या देंगे हम, पी क्यू। अगर नाम बोलेगा तो नाम अपने से देना है, देना है, और नहीं तो अपने से देना है, पी क्यू। कितना हो गया, 6.9 सेंटीमीटर। पूरा पी क्यू की लंबाई कितना है, 6.9, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितना है, 6.9। आगे कहा है कि इसमें से पी आर काटिए, यानी इसमें पी आर काटने के लिए कहा गया है, किसमें, पी क्यू में, जिसकी लंबाई 4.2 सेंटीमीटर, यानी पी आर की लंबाई कितना हो, 4.2। देखिए, यहाँ पर यदि पी है, है ना, तो आर तो ये इसी लाइन में कहीं पर होगा, पी आर कितना बोला, 4.2, तो इस रेखा में 4.2 में एक बिंदु लेंगे, 4.2 में एक बिंदु लेंगे और इस बिंदु का नाम देंगे हम लोग आर, क्या देंगे, आर, ध्यान से देखिए, क्या नाम देंगे, आर देंगे। तो पी आर काटने के लिए कहा गया और पी आर का मान कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर, तो 4.2 सेंटीमीटर पी आर का मान दिया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है अब रेखाखंड आर क्यू को मापिए, तो ध्यान से देखेंगे, आर क्यू, ये बचा आपका आर और ये क्यू, यानी पी और आर यहाँ से यहाँ तक हो गया 4.2, तो पूछा आर और क्यू यहाँ से यहाँ तक मान क्या होगा, तो मापते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.6। तो लिख देंगे अतः आर क्यू बराबर 2.6 सेंटीमीटर, वो
और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। केवल आपको माप के बता देना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, मतलब अगला वाला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में कहा गया है कि 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी दिया गया है। कितना लंबा है? 2.5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए हम माप लेते हैं चार नंबर क्वेश्चन को। यहाँ चार नंबर लिखते हैं 2.5, तो लिखिए 2.5। एक रेखाखंड ए बी दिया गया है, ए बी दिया गया है। अब क्वेश्चन में आगे कहा है एक अन्य रेखाखंड पी क्यू खींचिए जो रेखाखंड ए बी का तीन गुना हो। मतलब और एक रेखाखंड खींचने के लिए कहा है कि क्या, पी क्यू जो रहेगा ए बी से तीन गुना है। तो सबसे पहले देखिए ए बी कितना है मेरा, 2.5 सेंटीमीटर है। क्या है? 2.5। अब ए बी का तीन गुना बोला है तो मतलब 2.5 का तीन गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका तीन गुना बोला है, तीन से गुना करेंगे। 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 7, 7.5 कितना आ जाएगा, 7.5, है ना। तो 7.5 और एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा जिसका नाम क्या रहेगा, पी क्यू। 7.5 चलिए हम नीचे खींच देते हैं, 7.5 इसका तीन गुना वही हो जाएगा, 7.5 इसका नाम देंगे पी क्यू, इसका 7.5 पी क्यू हो गया, रेखाखंड खींचा गया। सबसे पहले ए बी खींचने के लिए कहा गया था, ये वाला हो गया, उसके बाद पी क्यू ये वाला हो गया, इसका लंबाई हो गया, उसका तीन गुना है, है ना, यानी पी क्यू ए बी का तीन गुना हो गया। बस यही तो क्वेश्चन कहा था, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पाँच नंबर देख सकते हैं यहाँ पर देना सर, कहा है कि 4.2 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी, है ना। सबसे पहले 4.2 खींचेंगे जिसका नाम देंगे ए बी, और 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड सी डी, दो को रेखाखंड खींचना है, ए बी और सी डी। एक रेखाखंड एक्स वाई खींचिए, है ना, क्या खींचने बोल रहे हैं, एक्स वाई खींचिए जिसकी लंबाई ए बी और सी डी की लंबाई में अंतर के बराबर होगा। आने पहले दो को रेखाखंड खींचिए, उसके बाद दोनों का अंतर करना पड़ेगा। आप जैसे समझिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर पाँच का है, सबसे पहले एक ए बी एक रेखाखंड खींचना जिसका लंबाई 4.2 रहेगा, 4.2 हो गया, इसका नाम रहेगा ए बी, लंबा कितना रहेगा, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, है कि ना, 4.2 हो गया। उसके बाद कहा था कि 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड सी डी खींचिए, 2.5 और एक रेखाखंड खींचते हैं 2.5, है ना, 2.5 सी डी, इसका लंबाई कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, है ना, 2.5 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद कहा है, दिया गया है एक रेखाखंड एक्स वाई खींचिए, मतलब आपको एक्स वाई खींचने के लिए कहा गया, जिसकी लंबाई ए बी और सी डी की लंबाइयों के अंतर के बराबर, अंतर का मतलब होता है घटा, तो मतलब ए बी का और क्या है सी डी का, दोनों को यदि घटाएंगे तो जो बचेगा उतना लंबा एक एक्स वाई एक रेखाखंड आपको खींचने के लिए कहा गया है। तो दोनों में अंतर करेंगे, 4.2 और 2.5 को दोनों को हम घटाएंगे और देखेंगे कि आता कितना है, 4.2 और 2.5, 12 × 5 = 7 और 3 × 2 = 1, 1.7 सेंटीमीटर बचा, है ना। तो 1.7 सेंटीमीटर और एक रेखाखंड हमको खींचना है, उसका नाम देना है एक्स वाई, 1.7, है ना। देखिए हम यहाँ खींच दे रहे हैं 1.7, देखिए 7 खींचा गया है, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, एक्स वाई, और इसका लंबाई कितना आ जाएगा, 1.7 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं करना है ना। जूम करके देखना चाहते हैं, जूम करके यहाँ देख सकते हैं, देखिए 1.7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये 5 का हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। इस प्रकार से प्रश्नावली 16.2 का कंप्लीट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको हम कर दिए। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद लगा तो आप HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।